बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज आप दोस्तों की खिदमत में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस ट्यूटोरियल का जो नवान है वो ये है कि आज हम फ्लैक्स जो हम अक्सर आप लोग देखते हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स जो होते हैं इलेक्शंस के और भी जो होते हैं, मतलब वो डिज़ाइन कैसे करते हैं। सिंपल होते हैं, ईजी होते हैं, लेकिन बनाने में टाइम तो लगता है, सीखने में टाइम तो लगता है, लेकिन खाली ट्यूटोरियल देखने से कुछ कुछ नहीं होता है। इसको समझें अच्छे तरीके से, फिर काम करें और जनाब इस अपनी शॉप बनाएं, जो भी आप बनाना चाह रहे हो, प्रोफेशनल करना चाह रहे हो घर में, जो भी आप शौक के तौर पे करना चाह रहे हो, तो आप इसके ऊपर काम करके सीखो इंशाल्लाह। आप दोस्तों की मज़ीद न्यू ट्यूटोरियल मैं लेके चला आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ क्योंकि शादियों का भी हम साथ में काम करते हैं, मूवीज़ का भी स्टूडियो भी है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी मेरा शौक है ट्यूटोरियल बनाने का, नॉलेज देने का, इल्म देने का। तो मैंने इस सिलसिले को स्टॉप नहीं कर सकता। तो आज का जो हमारा जो ये है कि हम फ्लेक्स को डिज़ाइन कैसे करेंगे, इसके लिए भी आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इन पेज और फोटोशॉप। तो फोटोशॉप में आप अपना मटेरियल, जो मैंने पहले भी बताया था कि मटेरियल आपने अपना इकट्ठा करके रखना है इसके ऊपर, ठीक है। इसके अंदर आपने अपना इन पेज के अंदर आपने टाइपिंग कर लेनी है, जो भी आपने नाम वगैरह लिखने होते हैं, ठीक है। और फोटोशॉप के अंदर आपने इसका जो पिक्चर्स होती हैं, डिज़ाइन होते हैं, जो भी होते हैं आपने बना कर मतलब रख लेना है। मैंने ऑलरेडी हर चीज़ टाइप की हुई है, ठीक है, इस वजह से मुझे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। स्टार्ट हम करेंगे, सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने फाइल पे आना है, न्यू, और फ्लैक्स का जो साइज है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं बनाना चाह रहा हूँ 4x6, लेकिन हम 4x6 नहीं बनाना चाह रहे, हम बनाना चाह रहे हैं 2x3, 3x4, 4x3, 3x4, 4x5, 5x6, 3x5, 5x, इस तरह करके हमने फ्लैक्स डिज़ाइन करनी है, ठीक है। और सबसे पहले आपने ऊपर आना और कंट्रोल सी प्लस करके क्रॉप टूल को आपने सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से हमने इसका साइज जो बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बनाना चाह रहा हूँ जी 2x3, ठीक है। 2x3 ये नहीं है कि आपने 2x3 लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे आपने 2x3 की मतलब 2 फुट 3 फुट की बनानी है हमने फ्लेक्स। और 2x2 को बोलते हैं 12, ठीक है, 1 फुट में 12 होते हैं इंचिस, तो हमने इसको डबल कर लेना है, 12 दूना 24, ठीक है। अब आगे हम बनाना चाह रहे हैं 2x3, मतलब कि 2 फुट 3 फुट की, ठीक है। तो 3 फुट के आपने कैसे साइज लेना है, यहां से आपने इसका साइज ले लेना है 36, 12 तिया 36, ठीक है। यहां पे आप 36 सेलेक्ट किया, ठीक है, लेकिन हम जो 36 है इस साइड पे लिखेंगे और 24 इस साइड पे, ठीक है। और रेजोल्यूशन आपने इधर से 300 नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ से आपने 72 कर लेनी है, ये फ्लैक्स की रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। इसके बाद आपने इसको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है, और इसको डबल क्लिक करना है, और ये आपका 2x3 का साइज बन गया, ठीक है। साइज बन गया, उसके बाद आपने वही तरीका कंट्रोल ए एक्स वी क्लिक किया, उसके बाद आपने इसको ये वाला कलर दे दें, क्योंकि नून लीग का कलर यही है, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह और भी मजीद हम फ्लैक्सें जो प्रोफेशनल फ्लैक्सें होती हैं डिज़ाइन करने, वो भी इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको, उसका मटेरियल भी हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अगर किसी दोस्त को कोरल ड्रा का डाटा जो होता है, मतलब नाम लिखे लिखा है डिज़ाइनिंग हर किस्म की, ठीक है, इस टाइप की अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो वो हमसे बजरिया DVDs भी ले सकते हैं। अगर किसी को दोस्त के पास इंटरनेट नहीं है तो वो बढ़िया कोर्स, ये जितने भी हमने बनाए हैं मिक्सिंग के हवाले से, मूवी मिक्सिंग के हवाले से, सॉफ्टवेयर प्लगइन्स इफेक्ट्स वगैरह, अगर किसी को EDs का डाटा जो भी चाहिए हो वो आप से रब्ता करके ले सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास सिटी वाइज के नेम से, मतलब ये सिटी है, सिटी का नेम जो होता है, ठीक है, उसका डाटा मुकम्मल A to Z हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो वो हमसे ले सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर इस दोस्त को इंडियन एल्बम का डाटा चाहिए हो तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, PSD डाटस, ठीक है, किसी दोस्त को वो चाहिए तो वो भी हमारे पास है। जी ये पड़ा हुआ है हमारे पास कोरल ड्रा का मुकम्मल A to Z डाटा सिटी वाइज के हिसाब से, ठीक है।
ये इश्तहारात की डिज़ाइनिंग के फ्लेक्सिस की डिज़ाइनिंग के मुकम्मल मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ए नाम के जितने भी नाम होते हैं, इस्लामी नाम जो भी होते हैं बड़े बड़े इश्तहारों में, इस्लामी इश्तहारों में जो लगते हैं उसके हैं मुकम्मल ए टू जेड, ठीक है। ये कोरल ड्रा की सारी फाइल्स हैं, फाइल्स हैं। बी नाम से, सी नाम से, जितने भी मतलब होते हैं, डी नाम की, सी टी नेम, उसके बाद ई नाम की, देख सकते हैं आपके फैसल स्वीट बैकर, ये वो सारे मुकम्मल हमारे पास टेम्पलेट्स बनी बनाई हुई हैं। सिर्फ आपने अपना नेम लिखना, चेंज करना है, और मुकम्मल ए टू जेड हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। मुकम्मल जेड तक हमारे पास पड़ा हुआ है, ए से लेकर जेड तक। अगर किसी दोस्त को ये डाटा चाहिए, इश्तिहार के जो मैटर होते हैं ये हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, मुकम्मल ए टू जेड। और किसी दोस्त को जो भी कुछ चाहिए हो, ठीक है, वो हमसे बद्रिया टी सी एस मंगवा सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो चले हम अब शुरू करते हैं अपने ट्यूटोरियल को, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है जी, तो यहाँ से हमने इसका डिज़ाइन बना लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी तस्वीरें जो लगानी है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम सबसे पहले ये हमारे जो उधर के इलाके के हैं, ठीक है, इसका फिगर हमने आपको बताया था 20, ठीक है। ये मैं छोटी फ्लैक्स बना रहा हूँ इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं होगी, ठीक है। को आपने थोड़ा सा छोटा कर लेना, ठीक है जी। इसके बाद हम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब की फोटो एक लगानी है, शेर भी लगा देते हैं, क्या याद करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे नून लीग के क्यों ज्यादा इश्तिहार बना रहा है, क्योंकि मैं इनका लोगो आ गया, ठीक है। इसके बाद हम कॉर्नर पे शहबाज शरीफ की फोटो लगाते हैं, ताकि ये भी ना कहे कि हमारी फोटो नहीं लगाई इन्होंने, ठीक है जी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आ गए जी, सॉरी नवाज शरीफ साहब, इनको किया और इनको उठा के इधर रखा, ठीक है जी। उसके बाद जनाब इनके पर हमने एक छोटा सा बॉर्डर बनाना है, ठीक है। येलो किया, ठीक
येलो कलर किया, ठीक है जी। और ये शेर जो हमने इसको उठाया जरा थोड़ा सा खूबसूरत इश्तेहार बहाने के लिए, ठीक है, इसको बॉर्डर के ऊपर इकट्ठा कर दिया। ओके जी, जो हमने इसको खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा शेर को हम बड़ा करते हैं और इसका थोड़ा बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है जी, ताकि डिजाइन थोड़ा सा खूबसूरत लगे। ठीक है जी, ओके जी। इसके बाद हम चाह रहे हैं कि इनके नाम लिखे जाएं। भाई साहब का नाम जो है वो जो हमने कट किया इधर ला के हमने इसको पेस्ट किया, कंट्रोल वी कंट्रोल टी प्रेस किया, कंट्रोल टी, इसके बाद हमने इसको यहाँ पे रखा। इसके बाद जी दूसरा आ गया जी इंशाल्लाह चेयरमैन, जो के बन चुके हुए हैं, ठीक है। इधर रखा, ठीक है। अब ये आ गए जी इनके जियाले मतीउल्ला, कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने अंदर से सुस्ती निकालना यही बड़ी बात होती है। मुश्किल कोई भी काम नहीं होता, बस हम लोग सुस्त बन जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। थोड़ा सा इधर से इसको किया, एम्बॉस किया इसको, ठीक है। और अब हम इसको एम्बॉस करेंगे और इसको कलरिंग देंगे और हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये इतना सा इजी काम है कि आप लोग घर बैठे या शॉप पे जो भी है, मतलब आप आसानी से अच्छे तरीके से फ्लेक्सो के डिज़ाइन बना के इसके ऊपर आप काम कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मेरी तस्वीरों की जो रेजोल्यूशन है वो बिल्कुल ओके है। जितना मर्जी आप इसको बड़ा कर लें, ये तस्वीरों के पिक्सल नेम्स की ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। जितना मर्ज़ी आप बड़ा करें इसको, जितना मर्ज़ी छोटा करें, ठीक है। आपके सामने ये मैंने डिज़ाइन मुकम्मल कर दिया है। अगर आप इसके अंदर मज़ीद खूबसूरती लाना चाहते हैं तो आप इसको बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी कोई कुछ भी मेंशन कर दें, ठीक है। लाजम नहीं कि यही डिज़ाइन मैं बार बार बनाऊं, और भी इंशाल्लाह मैं डिज़ाइन बनाऊंगा और आप दोस्तों को दिखाऊंगा, पसंद करें आप पसंद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसी बैक साइड पे कुछ डिज़ाइनिंग हो जाए, ठीक है, इसको आप इसे कर ले, ठीक है। बताता हूँ मैं अभी इसको क्या करना है। आपने इसको नीचे से आपने थोड़ा सा ख़त्म कर ले, ठीक है। और इसको आपने शिफ्ट आल्ट वाई प्रेस करना है, शिफ्ट आल्ट वाई, ठीक है। और थोड़ा सा इसको मध्यम कर लेना है। आप अपनी मर्जी की भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहो, लेकिन मैंने ये बस बताने के लिए आपको बताया है कि आप ऐसा भी बना सकते हो। लाजम नहीं कि ये मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ, लेकिन इसकी बैकग्राउंड को मैंने डिज़ाइन देने के लिए ये सिर्फ किया है, ठीक है जी। हमारा ये 2x3 का जो डिज़ाइन है वो हमारा तैयार हो चुका हुआ है। इसका साइज आपको मैंने बताया था कि इंचिस में रखना है, 2x3 ऐसे नहीं रखना है, मतलब 6 इंचिस 12, मतलब 2x3 का बनाना है तो आपने 2 12 36 36 36 आपने कर लेना है, और 2x3 का 3x2 का बनाना है, ठीक है। तो इधर से आपने अपने इस तरह करके इंचिस में इसका साइज रखना है, ठीक है। ये इंचिस में होते हैं, 1 फुट में 12 इंचज होते हैं, तो इस लिहाज से आपने इसको जितने फुट का आपने बनाना है उस हिसाब से आपने इसको इंचज
का साइज़ रखना है यहाँ पे। तो मेरे दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और मज़ीद नए ट्यूटोरियल के साथ मैं इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा आप दोस्तों की खिदमत में। तो और भी अगर कोई दोस्त चाहता है कि मैं इसके कोर्स ड्यूटीज में या कोई इसके जो टेम्पलेट्स हैं वो मेरे पास बने बनाए भी बहुत सारे मैंने आपको दिखाए हैं, अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगे। अगर किसी दोस्त को मूवी मिक्सिंग का शौक है उसका डाटा भी अवेलेबल है, इफेक्ट्स का, उसके अलावा प्लगइन्स का, ठीक है, वो हम डीवीडीज देते हैं। अगर किसी दोस्त को हार्ड में डाटा चाहिए तो 1200-1300 GB डाटा होता है मूवी मिक्सिंग का मुकम्मल, वो भी हम इंशाल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं आपके शहर में। आपको आप TCS हार्ड भेजेंगे लगवाएंगे तो हम इधर से हम डाटा कॉपी करके आपको भेजेंगे। तो अगर कोई दोस्त आना चाहता है तो आप गुजरांवाला आ सकते हैं और डाटा यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों इसी के साथ हमको इजाज़त दीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये ट्यूटोरियल हमारा पसंद आया होगा, और मज़ीद नए ट्यूटोरियल के साथ भी इंशाल्लाह आप दोस्तों की भी राय हम लेते रहेंगे। कोई दोस्त किसी को भी कैसा भी ट्यूटोरियल चाहिए हम बना के देंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो प्रॉब्लम। बट लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स लाजम कीजिए, और दुआ में याद रखिए ये हमारी स्काइप आईडी, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, और ये हमारी फेसबुक की आईडी है। ज्वाइन कीजिए। अल्लाह हाफिज़।